नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है जीत पावर पैक नॉलेज। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी टाइम टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, और ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि लोग प्लास्टिक को लेकर बहुत ही अवेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को असमंजस है कि और अभी भी डाउट है कि फूड ग्रेड के अंदर हम किस तरह की प्लास्टिक हम यूज़ करें। तो हम आज उस बारे में बात करेंगे। तो मेरे सामने एक ये फ्लेयर कंपनी है, इसका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि माइक्रोवेव प्लेट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माइक्रोवेव सेफ प्लेट्स हैं। ये कैसे पता लगेगा कि माइक्रोवेव सेफ़ हैं? प्लेट्स के पीछे ऑलरेडी दिया होता है माइक्रोवेव सेफ एंड आल्सो डिश वॉशर सेफ। ये दोनों चीज़ दी हुई हैं, माइक्रोवेव सेफ और डिश वॉशर सेफ। अब इसके जो कवर है, बॉक्स के कवर के ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है BPA फ्री। मींस ये जो प्रोडक्ट है ये बिसफिनोल ए फ्री है, यानी कि सेफ़ है। और इसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है फूड ग्रेड 100% हाइजीनिक। तो ये 100% फूड ग्रेड के अंदर आता है। और नीचे आइए, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, यानी बीच में लिखा हुआ है 5 और नीचे दिया हुआ है PP, यानी कि ये जो प्लास्टिक है ये ग्रेड 5 की प्लास्टिक है, जिसका पूरा नाम है पॉलीप्रोपिलीन। तो ये जो प्लास्टिक है ग्रेड 5 की, ये सबसे ज़्यादा सेफ प्लास्टिक है जो हम बेसिकली माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं। और ये प्लास्टिक जो होती है ग्रेड 5 की प्लास्टिक, बच्चों की बॉटल्स में यूज़ होती है, प्लास्टिक के कंटेनर बनते हैं जिसमें हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। और स्पेशली बेसिकली जो प्लास्टिक होती है, इट इज़ ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जिसकी हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम माइक्रोवेव में इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाऊंगा। जैसे कि ये प्लास्टिक का कप है, इस प्लास्टिक के कप पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ, देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, अभी जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये लिखा हुआ 5 और PP, यानी कि ये जो प्लास्टिक इसको बनाने में यूज़ हुआ है वो किस कौन सा है, ग्रेड 5 का। और इसमें फूड ग्रेड आ गया, माइक्रोवेव सेफ है अगेन, डिश वॉशर सेफ है अगेन, और BPA फ्री है। तो इस कप को भी हम डायरेक्टली माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, दूध गर्म करने के लिए, चाय गर्म करने के लिए, किसी भी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये बोतल आ गई, ये मेरे पास सेलो की बोतल है, प्यूरो किड्स सेलो की बोतल है। इस बोतल के नीचे देखिए ध्यान से, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा लाइट है बट ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, जूम करके आराम से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो प्लास्टिक है इसको बनाने में यूज़ हुई है, ग्रेड 1 की प्लास्टिक यूज़ हुई है, जिसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में PET बोलते हैं, PET बॉटल्स। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। अब जैसे ये है मिल्टन कंपनी की बोतल है, इसके ऊपर यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये फ्रिज बोटल्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है PET, जो बेसिकली क्या है, जो ग्रेड 1 प्लास्टिक है उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको बोलते हैं। तो ये जो 2 प्लास्टिक हैं, बेसिकली हम इन 2 प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। अब जैसे मेरे पास ये मिल्टन कंपनी की फ्रिज बोटल है, एक इसके नीचे भी यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि ये प्लास्टिक जो है वो ग्रेड 5 की है। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको, ये बेसिकली प्रोटीन शेकर है, और इसमें देखिए ध्यान से देखिए, मैं जूम करने की दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े ध्यान से देखिए, ग्रेड 5 लिखा हुआ है और PP। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग अवेयर हो जाइए, जब कभी भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे, फूड ग्रेड प्लास्टिक ग्रेड को, तो हमेशा आप दुकानदार को यही बोलिए कि भैया हमें आप ग्रेड 5 की प्लास्टिक दिखाएं, ग्रेड 5 की, क्योंकि हमें वो माइक्रोवेव में यूज़ करनी है। या अगर आपको वाटर बॉटल पानी पीने के लिए यूज़ करनी है तो वो कौन सी यूज़ करनी है आपको, ग्रेड 1 की। तो ये 2 प्लास्टिक जो हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो। नमस्कार।